एक एक बनाओ में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ नेहा ठाकुर। चलिए रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों से। भाजपा से निष्कासित आरएसपुरा के पूर्व विधायक गगन भगत ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा। आपको बता दें आज शेरे कश्मीर जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला मुख्य रूप से उपस्थित रहे और फारूक अब्दुल्ला ने उन्हें फूल माला पहना कर उनका नेशनल कॉन्फ्रेंस में स्वागत किया। इस अवसर पर गगन भगत ने कहा कि वो आज सही राजनीतिक दल में आ पहुंचे हैं और पार्टी जो भी उन्हें काम देगी वो अच्छी तरह से करेंगे। जम्मू से रवि शर्मा की रिपोर्ट। और खास तौर पर उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास कोई नहीं जाता, बॉर्डर के लोग, गरीब लोग और खास तौर पे जम्मू कश्मीर जो एक अलग स्टेट है, इसके लिए हमें मिलजुल कर अगर किसी तंजीम को आगे बढ़ाना है। यूथ कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट उदय भानुचीर ने रियासी में आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और 2019 में आने वाले चुनाव को लेकर की गई चर्चा। इस मौके पर जिला प्रधान केवल सिंह, पूर्व यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट अमित शर्मा, मुंशी राम सिलारिया, अजय सिलारिया, रामलाल, नितिन और अन्य लोग उपस्थित रहे। रियासी से रोमेश कुमार, राहुल की रिपोर्ट। आज हमारी यूथ कांग्रेस की जो रियासी की टीम है उसके साथ हमारी मीटिंग थी और उसमें हमारे सीनियर नेताओं ने भी हमारा साथ दिया। डीसीसी प्रेसिडेंट केवल जी ने और सभी नेताओं ने भी साथ दिया। तो जैसे कि आप लग जानते हैं कि जनरल इलेक्शन आने वाली है अगले 2-3 महीनों में, तो उसकी स्ट्रेटजी में की बात चल रही थी और कांग्रेस किस तरह से अपना यूथ कांग्रेस का रोल रहेगा, किस तरह से यूथ कांग्रेस बूथ बूथ में जाकर कांग्रेस के लिए प्रचार करेगा। डीपीएन प्रेसिडेंट गुलाम हसन मीर ने किसानों का कर्ज माफ करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों में किसानों को सरकार ने राहत दी है, उसी तरह पूरे जम्मू कश्मीर में भी किसानों को राहत सरकार द्वारा देनी चाहिए क्योंकि बेमौसम बर्फबारी से किसानों को बहुत नुकसान हुआ है, जिससे पूरे कश्मीर में किसान बहुत परेशान हैं और उनकी कोई भी सुध नहीं ले रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व कृषि मंत्री गुलाम हसन मीर पहले भी कई बार सरकार से किसानों के मुद्दे पर अपील कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके खबर नाउ। कठुआ में 116 बैग देसी शराब पकड़ी गई। जी हां, आपको बता दें कठुआ पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने 116 बैग देसी शराब पकड़ी है। कठुआ से सुदर्शन भार्गव की रिपोर्ट। नियम की अवहेलना करने वालों के खिलाफ दूसरे दिन भी जारी रही परिवहन विभाग कठुआ की कार्रवाई। जी हां, आपको बता दें यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ दूसरे दिन भी परिवहन विभाग कठुआ की टीम ने एक बार फिर कड़ा रुख इख्तियार कर दिया है। वीरवार को आरटीओ कठुआ राजकुमार थापा और एआरटीओ कुलदीप सिंह के दिशा निर्देशों पर इंस्पेक्टर रविंद्र शर्मा की अध्यक्षता में हीरानगर में अचानक पहुंची टीम ने नियमों के अनुसार नहीं चलने वाले वाहनों पर आरटीओ कठुआ राजकुमार थापा की टीम ने कार्रवाई करते हुए 26 वाहनों की जांच कर 13 वाहनों के चालान काटे। हीरानगर से श्यामलाल शर्मा की रिपोर्ट। म्युनिसिपल कमेटी और पुलिस के सहयोग से हटाया गया अतिक्रमण। जी हां, आपको बता दें कि म्युनिसिपल कमेटी के आला अधिकारी और तहसीलदार मुमताज मिर्जा, एसएचओ अश्वनी शर्मा मौजूद रहे। इस मौके पर कई रेडियो को जब्त किया गया और कईयों को फाइन किया गया, बाकियों को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। रियासी से रोमेश कुमार, राहुल की रिपोर्ट। तो या डीसी कठुआ रोहित खजूरिया ने आज रिपब्लिक डे की तैयारियों का जायजा लिया। जी हां, आपको बता दें उन्होंने सभी विभागों को सभी काम समय पर करने के निर्देश दिए। कठुआ से सुदर्शन भार्गव की रिपोर्ट। रिपब्लिक डे 2019 के सिलसिले में हुई है कि हमारे कैसे हमने कार्यक्रम करने हैं, कैसे अरेंजमेंट होंगे, तो सारी चीजें हमने फाइनलाइज कर दी है। राजौरी में पीएचई वर्कर्स ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में आईटीआई ट्रेंड और सीपी वर्कर्स ने सरकार से उनकी मांगे जल्द से जल्द मानने की बात कही। राजौरी से सुशील दत्ता की रिपोर्ट। हाय 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 हाय।
पुंछ के मेंदर में बीएसएफ के एएसआई जवान ने अपने आप को गोली मार ली। 72 बीएसएफ डी कंपनी जो चाका गली सबरा मेंदर में तैनात थे में ये हादसा हुआ है। हालांकि ये सुसाइड का मामला माना जा रहा है। पुंछ से राजेश टंडन की रिपोर्ट। आज जम्मू कश्मीर आधार एसोसिएशन रियासी ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। आपको बता दें कि आधार कार्ड प्राइवेट कंपनी की देखरेख में था। नए साल से अब इस पर सरकार की निगरानी होगी और जो जितने भी आधार कार्ड वर्कर हैं उन सबको लैप्ट किया जा रहा है। इसी के चलते आज इन्होंने प्रेस वार्ता की और उन्होंने कहा अगर हमें यहाँ से निकाला जाएगा तो हम आने वाले दिनों में सड़कों पर उतरेंगे। रियासी से रोमेश कुमार, राहुल की रिपोर्ट। पुंछ में एक 27 वर्षीय महिला का गला कटा हुआ शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। जी हां, आपको बता दें पुंछ में एक 27 वर्षीय महिला का गला कटा हुआ शव मिला है जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुंछ से राजेश टंडन की रिपोर्ट। ये रात को लेट हाउस में लाए थे उसको। सर इसका नाम क्या था? सर शीतला भी। तो सर पोस्टमार्टम करके डेड बॉडी वालों के हवाले कर दी गई। हाँ, डेड बॉडी उसके बाद पुलिस के हवाले की, उन्होंने वापस कर दी। आरटीआई और ड्रग एब्यूज को लेकर चल रही हाई सेकेंडरी स्कूल कटरा में 3 दिवसीय शिविर का आज समापन हुआ। जी हाँ, आपको बता दें फील्ड आउटरीच ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट भारत सरकार की तरफ से आरटीआई और ड्रग एब्यूज को लेकर कटरा हाई सेकेंडरी स्कूल में 3 दिवसीय जागरूकता शिविर का समापन। विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने लोगों को जागरूक करने के लिए रैली में भाग लिया और नशे के खिलाफ नारे लगाए। वहीं इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में एसडीएम कटरा अशोक कुमार चौधरी, तहसीलदार कटरा सुनील शर्मा ने बच्चों को हरी झंडी दिखाकर रैली निकालने की शुरुआत की। कटरा से रोहित शर्मा की रिपोर्ट। पिछले 3 दिनों से ब्यूरो ऑफ आउटरीच कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने, ये हमारा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है जो कटरा में, यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स पे बच्चों में जागरूकता फैलाने की कोशिश की है। तो इसी कड़ी में आज हमारी एक रैली निकलेगी जिसमें बच्चे ये ड्रग एडिक्शन पे एक मैसेज पूरे समाज को देंगे। फिलहाल हमारे आज के इस बुलेटिन में इतना ही। जम्मू कश्मीर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए जेके खबर नाउ। आप हमारा फेसबुक पेज जेके खबर नाउ भी लाइक कर सकते हैं और अगर आपकी कोई न्यूज है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने नाम और फोटो के साथ हमें भेज सकते हैं। नमस्कार।